would want you to put your hands together and once welcome the great Manohari Singh. '58 में आया सलील दा ने लेके आए कलकत्ते से और यहाँ आने के बाद सलील दा ने सबके साथ इंट्रोड्यूस किया, सब म्यूजिक डायरेक्टर से मुलाकात करवाए जी। वैसे कभी कभी इन लोग बॉम्बे से कलकत्ता में प्रोग्राम वगैरह करने के लिए जाते थे और कुछ छोटा छोटा फंक्शन वहाँ होता था, हम लोग भी वहाँ उनके प्रोग्राम में जाते थे। नौशाद साहब ने वहाँ प्रोग्राम किया था, बर्मन साहब ने भी प्रोग्राम हुआ था उनका, तो उनके वहाँ बुलाए थे तो हमको नौशाद साहब, बर्मन साहब, खास करके नौशाद साहब ने बोले थे बॉम्बे में मतलब इन लोग को बुलाना, हम जरूर काम लेंगे, बासु मेरा पार्टनर जो जी। तो ऐसा हम लोग भी देखते थे, चांस मिला बॉम्बे आने का तो जरूर जाएंगे। बर्मन साहब ने जो बैकग्राउंड चल रहा था उनका सितारों से आगे, ये 1958 की बात, सितारों से आगे बैकग्राउंड चल रहा था बॉम्बे लैब में, तो वहां पर मुझे बुलाया, मैं वहां पर गया। परसों तरसों की बात है, दिनेश और मैं, दिनेश घाटे हु इज़ द प्रमोटर ऑफ स्वराला, हम दोनों बस एक साथ में ही नीचे बैठे हुए थे और बगल में दादा बजा रहे थे। 15 सेकेंड या 10 सेकेंड सैक्सोफोन सुनते ही दिनेश और मैं एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं और दोनों एक दूसरे से एक ही बात हमारे मुंह से फूटती है, ऐसे खड़े हो जाते हैं रोंगटे, दादा आपकी जो फील है, आपके जो मिठास तो अलग बात है पर जो एक फील है, एक यूनिक फील जो आपके आपके सांस से आती है, वो कैसे आती है आप हमें बताएं। प्रैक्टिस है थोड़ा सा सबका, दुआ आशीर्वाद से सब दुआ है। गाने इतना अच्छा लगने का मतलब पिक्चराइज, पिक्चर का कहानी, कंपोजिशन, लिरिक्स, सिंगिंग और इसका सजावट, अरेंजमेंट पूरा सब मिलके है बात जी। इसलिए आज भी यहाँ बात लगता है, सुनने से याद आ जाता है वो सब।
गाने को मतलब क्या होता है ना, कुछ जरूरत पड़ती है सजाना जी और अच्छा अच्छा करें करने के लिए यू हैव टू डू सम अरेंजमेंट, यू हैव टू पुट सम काइंड ऑफ उसके आगे पीछे म्यूजिक सोलो इंस्ट्रूमेंट जी जैसा सिचुएशन के हिसाब से डिमांड करता है। गाना अच्छा होता है ना, गाना अच्छा मिलता है उनको जी, तो उन लोग पिक्चराइज भी वैसा उसका करते हैं।